आज हम बनाएंगे पोटैटो और सोया चंक्स की सब्ज़ी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर टमाटर और प्याज की प्यूरी बना ली है। अब प्रेशर कुकर में ऑयल डालेंगे। इसमें हम खड़े गरम मसाले, ज़ीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता ऐड करेंगे। प्याज की प्यूरी ऐड करेंगे, सुनहरी कर लेंगे और टमाटर ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला, हल्दी और धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के 5 मिनट के लिए पकने देंगे। इससे मसाले अच्छे से पक जाएं और उनका फ्लेवर अच्छा आए। मसाले पक गए हैं, तेल अलग होने तक भून लेंगे। तेल अलग हो गया मसाले से, अब हम इसमें पोटैटो और सोया चंक्स ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सोया चंक्स के अंदर भी मसाले चले जाएं और इनका फ्लेवर अब्सॉर्ब कर लें। अब हम पानी ऐड करेंगे। पानी उतना ऐड करें जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। सीटी लगा लेंगे। 3 सीटी में सोया चंक्स और आलू अच्छे से गल जाते हैं। सोया चंक्स और आलू की सब्ज़ी बन गई है। हम हरी धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया से इसमें एक फ्रेशनेस और अच्छा फ्लेवर ऐड होता है। अब हम इसे सर्व करेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें।